टोक्यो में जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट फेस्टिवल चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक, उसमें और एक भारत की बेटी, भारत के प्राइड कमलप्रीत कौर, आज वो हमारे साथ है। कमलप्रीत कौर, रिपब्लिक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कमलप्रीत, ये बताइए कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ये ओलंपिक का, कैसा रहा? मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मतलब लोगों की उम्मीदों से भरा हुआ। मेरी बहुत ज्यादा उम्मीदें, और फर्स्ट टाइम इतने बड़े एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी, मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी का एक सपना था ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, जहाँ मेडल लेना। तो वो तो एक हद तक, कुछ हद तक पूरा हुआ है, कुछ अधूरा है, वो अगले ओलंपिक में कोशिश करूंगी पूरा होगा। आपने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है डिस्कस थ्रोइंग में, वो आप पहला इंडियन वोमेन हो जिसने किया है, कैसा लग रहा है उसमें, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है एक्चुअली। जब मैं जिस दिन क्वालिफाई करी है, तो बहुत सारे लोगों ने पहली बार डिस्कस को देखा है कि डिस्कस क्या होती है इंडिया में खास करके, वरना लोगों को कुछ को तो मतलब बहुत सारे इंडिया में लोगों को पता ही नहीं डिस्कस क्या होती है। लेकिन उस दिन से लोगों को पता चल गया डिस्कस क्या चीज है, तो अब मुझे लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं ये इवेंट करती हूँ। पहले मुझे बताना पड़ता था डिस्कस क्या चीज होती है। तो एक बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि लोगों ने मेरे से उम्मीद रखी और मैं अच्छा क्वालिफाई में अच्छा परफॉर्म करी। फाइनल में हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हद तक मैंने अच्छा परफॉर्म करा। हाँ, और जो आपने जिंदगी में चुना डिस्कस थ्रोइंग, ये इसके पीछे क्या राज है, मतलब आपने क्यों चुना ये कैरियर क्यों चुना? एक्चुअली मैं स्टडी में थोड़ा ज्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ी वीक थी, तो स्टडी अगर जिसकी वीक है तो उसको दूसरा ऑप्शन चुन ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको जॉब के बहुत कम चांस रहते हैं। इन फ्यूचर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आपके लिए जॉब होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं अब जैसे स्टडी में अच्छी नहीं हूँ, तो मेरे को साथ में स्पोर्ट्स करना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टडी के साथ स्पोर्ट्स करी। तो ये रियलाइजेशन आपको कब हुआ कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? मैं 10th क्लास में थी जब मैंने फर्स्ट टाइम एक किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, तो तब मुझे स्पोर्ट्स की नॉलेज हुई, तो तब मुझे थोड़ा मतलब हुआ कि अब मेरे को स्पोर्ट्स भी करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं लोगों से मिली, उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी हाइट है, आप कर सकते हो, तो मुझे तब थोड़ा फील हुआ कि नहीं, मैं अब स्पोर्ट्स भी साथ में तो करूंगी। आपने तब सोचा था कि आप ओलंपिक तक आएंगे? ये तो जब कोई प्लेयर स्पोर्ट्स स्टार्ट करता है ना, तो वो सबसे पहले अगर कुछ गूगल पे सर्च करेगा ना, कोई बड़ा कॉम्पिटिशन, तो ओलंपिक निकल के आता है। तो तब मैंने जब स्पोर्ट्स स्टार्ट करा था, 2012 का ओलंपिक हुआ था और मैंने 13 में स्टार्ट करा था स्पोर्ट्स, तो तब मेरे को कृष्णा दीदी का पता था, जो कि डिस्कस थ्रोअर, बहुत मतलब इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर थे, लेजेंड प्लेयर जिनको बोलते हैं वो थे। तब मैंने ओलंपिक का मुझे तभी पता चला था, और उसके बाद ही मेरे मन में भी सपना है कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगी और ओलंपिक में जाऊंगी। तो आप ओलंपिक में आ गई, और पूरा ओलंपिक का जो एक्सपीरियंस आपका पहला ओलंपिक है, ये एक्सपीरियंस आपको एक पॉजिटिव फीलिंग दे रही है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली। मैं बताऊं तो जैसी मेरी परफॉर्मेंस रही, जैसी मेरे से लोगों ने उम्मीद करी, जबकि लोग डिस्कस को जानते भी नहीं थे क्या डिस्कस क्या चीज है, लेकिन जैसे मेरा क्वालिफाई राउंड हुआ, तो लोगों मतलब इतने ज्यादा मेरे पास मैसेज आए, इतने ज्यादा कॉल्स आई, उनको पता चल गया कि डिस्कस क्या होती है। लोग इतने ज्यादा खुश हुए मेरी परफॉर्मेंस से। तो मेरे लिए ये ओलंपिक से पहले मैं कमल कुजोर थी, ओलंपिक के बाद आज कमल कुजोर है। मेरी जिंदगी ही चेंज कर दी ओलंपिक ने। तो कमलप्रीत, आप जो लड़कियां डिस्कस में आना चाहते हैं, जिस डिस्कस थ्रो करना चाहते हैं, इसको करियर अपना इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सब लड़कियों को आप क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम, जो भी लड़की डिस्कस में आना चाहती है, तो वो अपना इन फ्यूचर मतलब कोई अपने पास कोई अच्छा सेंटर देखे, जहां उनको अच्छा कोच मिले, अच्छा न्यूट्रिशन प्लान मिले। क्योंकि जब मैंने गेम स्टार्ट करी थी, मेरे को इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी, तो मैं चाहती हूँ कि उनको इन सब की नॉलेज लेके, क्योंकि अब आजकल मोबाइल है, सब उसमें सब कुछ पता चल जाता है कि हमें हमारे पास कौन सा अच्छा सेंटर है, कौन सा हमें डाइट प्लान, सब सब कुछ पता चल जाता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि पहले वो अपना अच्छा सर्च करें, अच्छा सेंटर ढूंढें, और अपना वहां जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें। कमलप्रीत, आगे क्या है कमलप्रीत के लिए? कमलप्रीत क्या सोच रही है? आगे कमलप्रीत के लिए बहुत सारी लोगों की उम्मीदें हैं जिनको पूरा करना है, क्योंकि इस ओलंपिक पे मैं लोगों ने उम्मीद करी थी मेरा मेडल आएगा, लेकिन फर्स्ट ओलंपिक होने की वजह से मैं नर्वस होगी, तो थोड़ा वो भी मेरे लिए थोड़ा
हार्ड लक कह सकते हैं, तो आगे लोगों ने मेरे से उम्मीदें लगाई हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हूँ, तो वो उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। और जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, एशियन गेम्स आ रही है, कॉमनवेल्थ आ रही है, तो उनमें जो मैं ओलंपिक में नहीं कर सकी तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा वहां अचीव करूं। और 2024 में जो ओलंपिक होने वाली है पेरिस, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में, उसमें एक पक्का मेडल लेके आऊं, बिना मेडल के वापस ना आऊं। तो आपने अभी बताया कि आप थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, तो आपने गेम के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी? नर्वस हो गई थी एक्चुअली, मेरा फर्स्ट बड़ा इवेंट था, तो मैं फर्स्ट टाइम किसी ऐसी लड़कियों के साथ परफॉर्म करी थी जो पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं, तो मेरा अभी कोई इंटरनेशनल में इतना अच्छा मेडल नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कोई इतने बड़े कॉम्पिटिशन में आई हूँ, तो मेरा उनके साथ परफॉर्म करना थोड़ा मेंटली मेरे को था कि वो तो पहले से ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है, तो मैं उनके साथ कैसे परफॉर्म करूंगी। लेकिन एक मेंटली मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करा, हालांकि मुश्किल था तो, लेकिन ये फिर भी मैं कुछ हद तक ठीक ठाक कर पाई। पूरे देश 135 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, और उनके लिए आप कमलप्रीत कुछ मैसेज देना चाहेंगी? 135 करोड़ लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई, हालांकि मैं नहीं उम्मीदों पे खरा उतर पाई और मेडल नहीं लेके आ सकी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले ओलंपिक, एशियन गेम, इन सब में मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी, उनकी उम्मीदों पे खरी उतर के ही जाऊंगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलप्रीत रिपब्लिक से बात करने के लिए, एंड हम सब का बहुत सारे शुभकामनाएं आपके साथ है।